नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मीना की रसोई एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हमारी रसोई में बना रहे हैं बहुत ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपी। चलो तो शुरू करते हैं। तो आज मैं मेरी रसोई में बना रही हूँ चने दाल से बहुत ही टेस्टी सब्जी। मैंने सब्जी बनाने के लिए ये आधी कटोरी दाल है, इसको 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया था और धोकर साफ कर लिया है। और 10-15 कली लहसुन लिए, 2 हरी मिर्ची हैं और 1 कटोरी दही लिया है। अब मैं बनाऊंगी इसका पेस्ट। इसका माया पेस्ट नहीं बनाना है, इसको मैं थोड़ा दरदराई पीसूंगी। मिक्सी को रोकते चलाते हुए पीसेंगे, कंटिन्यू नहीं चलाना है, तो नहीं तो इसका बारीक पेस्ट बन जाएगा। हमें बारीक पेस्ट नहीं चाहिए, हमें थोड़ा दरदराई चाहिए। तो मैंने मिक्सी का जार ले लिया, मैं डालूंगी इसमें चना दाल, दरदरा सा पीस लेंगे। मैंने इस तरीके से पीस लिए, मोटी मोटी कुछ साबुत दाने दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और कुछ दाने थोड़े बारीक हो गए हैं, कुछ बीच के से हैं। इस तरीके से ही पीस लेना है बस दरदरा सा। मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला है, इसको बिना पानी के ही पीसा है। इस सब्जी को हमारे गांव में कराड़ा बोलते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है, मैं डालूंगी इसमें तेल। तो मैंने सरसों का तेल ले लिया है। अगर आप सरसों का तेल खाना नहीं चाहते तो आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं जो आप खाते हैं। मैंने ये 1 बड़ा चम्मच तेल ले लिया है। गैस चालू कर देंगे, गरम होने देते हैं इसको। तो तेल गरम हो रहा है, जब तक मैं ये दही को बिलो लेती हूँ। मैंने ये रई ले ली है, इससे अच्छे से मिक्स कर दूँगी दही को। थोड़ा सा पानी डाल लूँगी ताकि वो छिटे ना। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको। अब मैंने एक कटोरी ले ली है, इसमें डालूँगी मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच रेगुलर लाल मिर्च, नमक बाद में डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे पानी। इसको मिक्स करके रख देंगे ताकि मसाले फूल जाएं और हम डालें तो जले ना। अच्छे से मिक्स कर देंगे, इस तरीके से मिक्स करके रख देंगे। इसको साइड में रखते हैं, इधर तेल को देख लेते हैं गरम हो गया क्या। तो तेल गरम हो चुका है, मैं डालूँगी इसमें 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर तो अच्छा आता है, टेस्ट तो बढ़ता ही है, लेकिन इससे पाचन क्रिया भी ठीक रहती है। तो जो भी हम चने की दाल या बेसन की सब्जी बनाते हैं तो अजवाइन जरूर डालनी चाहिए। 2 पिंच हींग। अब डाल दूंगी जो मैंने इधर-उधर पीसा है चने की दाल को, मिक्स करेंगे अच्छे से। इतना सेक लेंगे, इसका कच्चापन निकल जाए। मीडियम फ्लेम पर ही इसको अच्छे से सेक लेंगे पहले। काफ़ी हद तक सेक चुकी है दाल, तो मैं डालूंगी इसमें लहसुन। लहसुन को मैंने कूट कर डाला है, आप चाहें तो बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हैं या पेस्ट बना कर भी डाल सकते हैं। बहुत पहले डाल देती तेल में तो दाल को सेक रहे हैं तब तक जल जाता लहसुन, इसलिए मैंने बाद में डाला है। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और सेकेंगे अभी थोड़ी देर। इस तरीके से दाल की सब्जी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। हम जो बेसन का कराड़ा बनाते हैं उसको भी ऐसे बेसन की मसूरी बनाकर ऐसे तेल में फ्राई करते हैं, लेकिन जो दाल का बनाते हैं उसका बनाते हैं बेसन का। इनका दोनों का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का अलग अलग टेस्ट है। मुझे तो ये वाला ज़्यादा पसंद है। 3-4 मिनट सेक ली तो दाल अच्छे से सेक चुकी है, आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है दाल का और थोड़ी भुरभुरी सी भी हो गई है। अब मैं डालूंगी वो मसाले जो मैंने कटोरी में पानी डालकर रखे हुए हैं मिलाकर, ये भी पका लेंगे साथ में। गैस का फ्लेम बिल्कुल सेम है तो अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं ताकि मसाले पक जाए अच्छे से। मसाले भी पक चुके हैं, अच्छी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो और थोड़ी बहुत कसर रहेगी तो हम अब जो पानी और छाछ डालेंगे उसके साथ पक जाएंगे। तो मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम कर रखा है ताकि ये बहुत ज़्यादा गर्म ना रहे, थोड़ी सी इसको थोड़ा नॉर्मल सा कर लिया है। बहुत ज़्यादा गर्म में एकदम से डालेंगे तो क्या है, ये छाछ फट सकती है। हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है इसको, नहीं फट सकती है। मैं 1 गिलास पानी और डाल दूँगी इसी में, मिक्स करेंगे। हमें अगर गाढ़ा लगेगा तो फिर हम बाद में और पानी डाल लेंगे। कंटिन्यू चलाते हुए इसको पकाना, नहीं तो छाछ फट जाएगी।
इसमें एक उबाल आने तक कंटिन्यू ऐसे हिलाते रहेंगे ताकि हमारी जो छाछ बना के डाली हमने वो फटे ना। एक उबाल आ गया है आप देख सकते हैं, तो तेल सतह पर आने लगा है, सेपरेट होने लगा है सब्जी से, तो हम अब इसको छोड़ सकते हैं। अब मुझे ये गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी। अभी आपको जितना गाढ़ी पतली सब्जी खानी है उसके अनुसार पानी डाल लें। मैं आधा गिलास पानी और डाल रही हूँ इसमें, क्यों अभी इसको 10-15 मिनट पकाना है, तो फिर पानी जलेगा तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा। और डाल दूँगी थोड़ा सा। अब मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया अब तक, और मैंने अभी नमक नहीं डाला है, तो मैं डाल दूँगी इसमें नमक। तो मैं डाल दूँगी 1 चम्मच नमक नाश्ते वाले चम्मच से, और जो हरी मिर्ची कट करके रखी ना ये भी डाल दूँगी अब। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे, बीच बीच में हिला देंगे थोड़ी सी। ढक्कन को थोड़ा ऐसे उलर रखना है ताकि थोड़ी भाप बाहर से निकल जाए, ढक्कन में कोई छेद नहीं है। तो गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल सिम कर रखा है, 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं अब। तो 10-12 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी घुट गई है दाल की सब्जी, देखने में इतनी अच्छी लग रही है। तो इसी तरह की रखनी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है। अभी ठंडी होगी तो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं डालूंगी इसमें हरा धनिया, बेहद ही स्वादिष्ट झटपट से बनने वाली, मेहनत कम स्वाद ज़्यादा चना दाल की सब्जी बनकर तैयार है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गैस कर देंगे बंद, तो लीजिए तैयार है चना दाल की चटपटी सी सब्जी बनकर तैयार है। गैस कर देंगे बंद और तैयार है बिल्कुल चटपटी और टेस्टी सब्जी बनकर चना दाल की, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। तो इसे रोटी चपाती पूड़ी पराठा राइस किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ ऐसी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।